मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन. नाउ दिस इज योर ईवीएस क्लास. इन माय लास्ट टू प्रीवियस क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. नाउ टुडे आई विल एक्सप्लेन यू बोन्स एंड मसल. व्हाट आर बोन्स एंड व्हाट आर मसल्स. सो डेट ऑफ टुडे इज 18 अप्रैल 2020. Day is Saturday and the subject is EVS chapter 2 our body so today I will explain you bones and muscles. Okay, bones and muscles क्या होते हैं? Bones. I give you one task. Touch your elbow. And touch your knees. You feel something hard. This is आपको जो hard part आप feel कर रहे हो वो आपकी bones हैं, ठीक है? And आप जब अपने cheek को press करते हैं, touch करते हैं, या अपनी arms को touch करते हैं, तो आपको कुछ soft part आपको feel होता है. तो that is वो क्या है? आपकी muscles हैं वो, ठीक है? तो बोन्स का क्या रोल है? बोन्स गिव सपोर्ट टू आर बॉडी. बोन्स जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. मसल्स हेल्प अस टू मूव. मसल्स क्या है? वो हमें मूव करने में हेल्प करता है. दे बोथ टुगेदर गिव शेप टू आवर बॉडी. ओके, दोनों हमारी बॉडी को क्या देते हैं? शेप देते हैं. दे प्रोटेक्ट एंड दे प्रोटेक्ट आर इंटरनल ऑर्गेन्स. दे प्रोटेक्ट आर इंटरनल ऑर्गेन्स. वन मोर थिंग, जो बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में 206 होते हैं और जो मसल्स होती हैं वो मोर देन 600 होती हैं. तो बोन्स एंड मसल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू. बोन्स गिव सपोर्ट टू आवर बॉडी. मसल्स हेल्प अस टू मूव. दे बोथ टुगेदर गिव शेप टू आवर बॉडी. दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गेन्स. वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, हाउ वी कैन कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी चेंजेस. ठीक है, एज वी ग्रो ओल्डर अवर बॉडी चेंजेस. वी स्टार्ट डूइंग मैनी थिंग्स दैट वी कुड नॉट डू वेन वी वर यंगर. जब हम छोटे होते हैं तो हम ऐसे बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वी कैन इजिली डू, हम उन्हें आराम से कर लेते हैं.
एंड वी शुड कीप आवर बॉडी हेल्दी. वी शुड टेक गुड केयर ऑफ अवर बॉडी. हेल्दी वी शुड टेक हेल्दी फूड. वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वॉटर एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड टेक रेस्ट ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ योर चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट रिटन वर्क इन योर कॉपी. सो टेक आउट योर नोटबुक. I will write on the board and you have to note down that work in your notebook. Okay? Yes, before starting the classwork, I want to tell you your answers, answers of your homework, which I have given you on 16th. I have given you one riddle. So, open that page. The question was, who am I? This is the question. And question number one was, I help you to digest food. I help you to digest food. आपको food digest करने में कौन help करता है? आपकी body का कौन सा part? तो tell your answer. This is stomach. Okay? This is your answer. Second one is, I help you to see the things. To see the things. आपको चीजें देखने में कौन हेल्प करता है? Eyes. Tell your answers, all of you. I help you to think. I help you to think. आपको सोचने में कौन हेल्प करता है? आपको रिडल सॉल्व करने में कौन, बॉडी का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? आपको जब आपको कोई चीज लर्न करनी होती है तो आप वो चीजें आप कहाँ लर्न करते हो? वो आपके कौन सी मेमोरी में जाता है? ठीक है, तो दिस इज योर ब्रेन. नंबर फोर, आई हेल्प यू टू ब्रीथ. आपको ब्रीथ करने में हेल्प कौन करता है? लंग्स. नंबर फाइव, आई हेल्प यू टू स्मेल. आई हेल्प यू टू स्मेल. नोज. आई होप आपने अपने आंसर्स टैली कर लिए होंगे. नाउ स्टार्ट डूइंग योर न्यू वर्क इन योर कॉपी. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट डूइंग योर वर्क इन योर कॉपी. फर्स्ट राइट द डेट, डे, चैप्टर नंबर टू, एंड मेंशन द नेम ऑफ दिस चैप्टर. राइट सी ए, एंड First, we will do difficult words. And you have to repeat the spellings with me. Okay? Your first word is O-R-G-A-N-S. Organs. What is this word? O-R-G-A-N-S. Organs. Second word is S-I-G-H-T. Sight. आपको फर्स्ट लेटर स्मॉल ही बनाना है, कैपिटल नहीं बनाना है. सारे लेटर्स आपके स्मॉल में ही होंगे. एस आई जी एच टी, साइट. नंबर थ्री, एल यू एन जी एस, लंग्स. एल यू एन जी एस, लंग्स. नंबर फोर, पी आर ओ टी ई सी टी, प्रोटेक्ट. P R O T E C T, protect. Number five, B R A I N, brain. B R A I N, brain. Number six is S T O M A C H, stomach. S T O M A C H, stomach. Seventh word is D-I-G-E-S-T,
डाइजेस्ट, DIGEST, डाइजेस्ट. नंबर एट इज MUSCLES, मसल्स, MUSCLES, मसल्स. ओके, रिपीट अगेन विद मी. फर्स्ट वर्ड इज ऑर्गेन्स, सेकेंड वर्ड इज साइट, थर्ड वर्ड इज लंग्स, फोर्थ वर्ड इज प्रोटेक्ट, फिफ्थ वर्ड इज ब्रेन, सिक्स्थ वर्ड इज स्टमक, सेवेंथ वर्ड इज डाइजेस्ट एंड एट वर्ड इज मसल्स. ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी एंड लर्न द स्पेलिंग ऑल दीज वर्ड्स. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. नाउ स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आंसर्स. राइट क्वेश्चन आंसर्स सेम एज इट इज. डेट, डे, चैप्टर टू, नेम ऑफ द चैप्टर एंड मेंशन क्वेश्चन आंसर्स हियर. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प्स. आपको ये कॉपी में ही लिखना है. व्हाट हेल्प्स द बॉडी टू मूव. आपकी बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प करता है. थिंक, सोचिए कौन हेल्प करता है. मैंने अभी बताया आपको. यस, मसल्स, MUSCLES, मसल्स हेल्प द बॉडी टू मूव. आपकी बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प करता है. आपके मसल्स हेल्प करते हैं. ओके, रीड विद मी. द क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प्स द बॉडी टू मूव. आपकी बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प करता है. द आंसर इज मसल्स हेल्प द बॉडी टू मूव. जो हमारी बॉडी के मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स डू आर बॉडी हैव. हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ऑर्गेन्स होते हैं. क्वेश्चन का आंसर है आर, यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन में से. आर बॉडी हैव, फर्स्ट यहीं से आर बॉडी हैव, our body has three types of organs. हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ऑर्गेन्स होते हैं. थ्री टाइप्स के. फर्स्ट इज एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, सेकेंड इज सेंस ऑर्गेन्स. सेंस ऑर्गेन्स कितने होते हैं हमारे, फाइव. एंड द थर्ड वन इज इंटरनल ऑर्गेन्स. ओके, क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट हेल्प्स द बॉडी टू मूव. हमारी बॉडी को मूव करने में कौन हेल्प करता है. मसल्स हेल्प द बॉडी टू मूव. मसल हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं मूव करने में. क्वेश्चन नंबर टू इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स डू आर बॉडी हैव. हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के ऑर्गेन्स होते हैं. आर बॉडी हैज थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स. हमारी बॉडी के थ्री टाइप्स के ऑर्गेन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेन्स, सेंस ऑर्गेन्स एंड इंटरनल ऑर्गेन्स. ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. ये आपको लर्न करना है. लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड योर डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके, बाय.